Happy Independence Day, Mubarak. First of all, I will congratulate all the students and the STEAM faculty on this Independence Day of Pakistan. Uh, today, we are conducting the third of five exam focused review sessions on CAF two Text Practices. The timings for today's session are from 2 to 5.15 p.m. with necessary breaks, which will be announced as required. These sessions will be conducted at ICAP House Lahore and will also be available on ICAP's student Facebook page, that is ICAP.CS students, and via Zoom. Students joining through Zoom can ask questions using the question answer box, while those participating through Facebook can use their comment section to ask their questions. The material being used today will be available through a link in the comment section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students. We're lucky enough that we have Sir Alim Ran with us for this session. Sir Ali Imran has nine years of teaching experience. Initially, he started his career as a CFO in the pharmaceutical sector. However, he soon realized that teaching was his true passion and decided to pursue it as his profession. His areas of interest include business law, taxation, audit, and corporate law. He is currently teaching at one of the REITs in Lahore. Please welcome Sir Ali Imran. Over to you, sir. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रही जश्न आज़ादी मुबारक और जब आपके इम्तिहान सर पे हों तो फिर कोई इतवार नहीं होती और कोई हफ्ता नहीं होता तो इस चीज़ को इम्तिहान आपके हैं लेकिन हम भी उतने ही वर्ड हैं आपके लिए इस वजह से आपके इम्तिहानों के लिए हम भी कुर्बानी दे रहे हैं चाहते ये हैं कि आप कामयाब हो जाए थ्री है हमारा और सेशन वन इसमें हम चैप्टर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन को डील कर रहे होंगे चैप्टर नंबर इलेवन की बात करूं तो उसमें तीन एरियाज हैं मेनली एक लॉसेस दूसरा टैक्स क्रेडिट्स और तीसरा एग्जामशंस अच्छा जनाब सबसे पहले लॉसेस की बात कर लेते हैं लॉसेस लॉस क्या होता है जब एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो तो उसे लॉस कहते हैं अब दूसरे नंबर पे यह बात आ गई कि लॉस को एडजस्ट करना क्या होता है यानी एक हेड में गेन आया दूसरे हेड में लॉस आया क्या ये आपस में सेट ऑफ हो जाएगा इफ द आंसर इज यस, तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट होना तीसरे नंबर पे अच्छा जनाब अपना हम हेड बाय हेड लॉस को देखते हैं जी सर हेड बाय हेड लॉस को देखते हैं सबसे पहले सैलरी क्या सैलरी में लॉस आ सकता है ये लाओ नहीं है लॉस तो नहीं आ सकता क्या सैलरी में जब लॉस आ नहीं सकता तो एडजस्ट भी नहीं होगा और कैरेट फॉरवर्ड भी नहीं फिर उसके बाद आगे एफटीआर इनकम एफ टी आर इनकम में लॉस आ सकता है भाईजान डिडक्शन अलाउ नहीं है लॉस आ भी नहीं सकता एडजस्ट भी नहीं हो सकता और कैरेट फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता सैलरी आ गई एफ टी आर आ गया एफ टी आर के बाद अगला देखिए सैलरी एफ टी आर कैपिटल गेन कैपिटल गेन में सबसे पहले आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में गेन आया है या लॉस आया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आ गया क्या आ सकता है यस क्या लॉस गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है नो क्या कैरेट फॉरवर्ड हो सकता है नो ना एडजस्ट हो सकता है ना कैरेट फॉरवर्ड हो सकता दूसरे नंबर पे आ गया सिक्योरिटी सिक्योरिटी यार सिक्योरिटी में कल बताया यू फोन की सिमो डीवीडी याद है ना सिक्योरिटी में लॉस आ सकता है यस क्या लॉस गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है यस ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटी गेन सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है और अगर ना एडजस्ट हो सके तो तीन साल तक क्या नंबर पे आ गया आर्ट रिलेटेड आइटम आर्ट रिलेटेड आइटम में लॉस आ सकता है यस लेकिन लॉस ना एडजस्ट होगा ना ही कैरेट फॉरवर्ड चौथे नंबर पे आ गया अदर कैपिटल एसेट्स इसमें गेन या लॉस आ भी सकता है ये लॉस एडजस्ट होगा किसके साथ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के साथ, साथ एडजस्ट होगा और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए फॉर सैलरी एफटीआर कैपिटल गेन सैलरी एफ कैपिटल गेन फिर उसके बाद आ गया चौथे नंबर पे बिजनेस बिजनेस दो तरह के हैं स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन सर जी जो स्पेकुलेशन का लॉस है स्पेकुलेशन है और एक नॉन स्पेकुलेशन अगर स्पेकुलेशन में लॉस आ गया तो किसके साथ एडजस्ट होगा स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन गेन के साथ एडजस्ट होगा और अगर एडजस्ट ना हो सका तो अगर एडजस्ट ना हो सका तो छ साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा स्पेकुलेशन का लॉस है छ साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा जबकि नॉन स्पेकुलेशन की बात करूं एक है स्पेकुलेशन और एक है नॉन स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन की बात करूं तो इसमें लॉस आ जाए तो ये लॉस आ भी सकता है और एडजस्ट होगा किसके साथ किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो जाएगा एडजस्टेबल अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम और अगर एडजस्ट ना हो सका तो छह साल के लिए कैरेट फॉर्मेट फिर उसके बाद आगे चलो मैं कलर चेंज करता हूं यार रेड कलर बहुत ज्यादा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस आ भी सकता है लॉस आ गया तो किसके साथ एडजस्ट होगा एडजस्टेबल किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो जाएगा लेकिन अगर एडजस्ट ना हो सका तो कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा एडजस्ट ना हो सका तो कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा सैलरी एफ कैपिटल गेन बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अगला क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसका भी सेम सीन है लॉस आ सकता है किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो जाएगा लेकिन कैरेट फॉरवर्ड नहीं सर मैंने बातों बातों में आपको लॉस पूरा बता दिया इस रिविजन में भी रिविजन कराते हुए भी मैंने इस चीज़ को मेक श्योर sure किया कि मैं लिख के बताऊं हल्के क्लिक करके तो मैं बड़ी आसानी से आपको आगे तीन तीन मिनट में करा देता लेकिन लिखने से इंसान के दिमाग में बैठता है इस तरह सर सारी चीज़ें सैलरी एफ टी आर कैपिटल गेन की चारों चीजें बिजनेस स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन अब अगर वो अच्छा एक जुमला और सुनो अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता अगली बात सुने कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा किसी हेड में भी लॉस कैरेट फॉरवर्ड नहीं होता कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस आप गौर करें इसके अलावा किसी केस में भी कैरेट फॉरवर्ड नहीं होता सर ये सारी डिस्कशन थे सैलरी है एफ टी आर है कैपिटल गेन है बिजनेस है प्रॉपर्टी है अदर सोर्स। ये सारे आपके साथ डिस्कस डिस्कस कर दिए। एक बात और बारीकी वाली करनी। यहां पर जो नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है इसके बारे में मैंने मजीद बात करनी। अगर बिजनेस में नॉन स्पेकुलेशन में लॉस हो तो ये दो तरह के लॉस हो सकता है एक Loss due to depreciation, amortization or initial allowance or one, other loss. Loss due to depreciation, amortization or initial allowance or dusra, other loss. ये जो लॉस ड्यू टू अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस है ये लॉस ड्यू टू अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस है ये वाला लॉस इसके बारे में क्या कहा जाता है ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा ये वाला लॉस छह साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा और ये वाला लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा तो बिजनेस के अंदर भी लॉस को दो हिस्सों में तकसीम कर दो एक लॉस टू रू डेटाइजेशन और जो के अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा और एक अदर बिजनेस लॉस जो के छह साल के लिए कैडेट फॉरवर्ड होगा ये सर लॉसेस के बारे में सारी डिस्कशन थी अब मैं चल रहा हूं टैक्स क्रेडिट्स की तरफ टैक्स क्रेडिट की बात करूं टैक्स क्रेडिट की बात करूं तो जनाब टैक्स क्रेडिट वो है जो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर दे टैक्स क्रेडिट वो है जो टैक्स लाइबिलिटी को कम करते टैक्स क्रेडिट की तरतीब है सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन और इन्वेस्टमेंट होता है फिर उसके बाद एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ये टैक्स क्रेडिट की तरतीब है डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलता है किसको डोनेशन देनी है बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल या रिलीफ फंड को एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड इन थर्टी कैजुअल इन सारे लोगों को अगर डोनेशन दी जाए डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा किन को डोनेट करना है इन इदारों को डोनेशन देनी किस तरह डोनेशन देनी है क्रॉस चेक के जरिए तो क्या मिलेगा टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना ओवर बी इन टू सी नाउ व्हाट इज ए टैक्स लाइबिलिटी व्हाट इज बी टैक्सेबल इनकम व्हाट इज सी वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है व्हाट इज सी वो अमाउंट जिस पर वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है ओवर बी टू तो सी वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन गिवन डोनेशन एट द टाइम इट सर जी ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या किया हो आप पैसों की सूरत में डोनेशन ना दे बल्कि कोई चीज दे दें तो अगर आपने गाड़ी प्लॉट या कोई चीज एज डोनेशन दे दिया है तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डोनेशन के तौर पर ली जाएगी ले सर टैक्स क्रेडिट डोनेशन पर जो टैक्स क्रेडिट है वो तो आपको पढ़ा दिया अब अगली बात देखिए अगला जो पॉइंट है ये टैक्स क्रेडिट है मगर ये डोनेशन पे नहीं है बल्कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अगर कोई बंदा पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करे पहली तो बात है वो बंदे को क्या होना चाहिए एलिजिबल एलिजिबल पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन एन ए टी यू आर ए एलिजिबल पर्सन डिराइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैलरी और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शेल बी एंटाइटल टू अ टैक्स क्रेडिट फॉर अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड इन द ईयर बाय द पर्सन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड सर जी बड़ी अहम बात उसने कही है बात नंबर एलिजिबल पर्सन हो उसकी इनकम अंडर सैलरी या बिजनेस हो तो उसे कंट्रीब्यूट करे अगर अप्रूव पेंशन फंड में तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना टैक्स लाइबिलिटी बी टैक्सेबल इनकम व्हाट इज सी वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है और ये क्या होगा लोअर ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रीमियम पेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ एलिजिबल पर्सन टैक्सेबल इनकम जी द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन अगर एक बंदे ने एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांसफर करा ली है और उसकी वजह से पेंशन फंड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड नहीं समझी जाएगी और उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा सर आपने पैसे जमा कराए हैं उस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है आप ट्रांसफर हुए हैं उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना सर टैक्स क्रेडिट फॉर contribution टू अप्रूव्ड पेंशन फंड मैंने आपको डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट बता दिया और कंट्रीब्यूशन टू प्रूव पेंशन फंड पे टैक्स क्रेडिट बता दिया टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन पॉइंट ऑफ सेल मशीन ये तीसरी बात है वो बंदा जो एफ बी आर के कहने पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा और उसे इंटीग्रेट करेगा एफ बी आर के सिस्टम के साथ तो उसे भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना लाख पर मशीन या एक्चुअल जितना खर्चा हुआ बिजलीज लोन डेढ़ लाख पर मशीन या एक्चुअल जितना खर्चा हुआ एवरेज लोन टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन परसन सर आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं सर जी ये तीन टैक्स क्रेडिट मैंने पढ़ा दी अब ये चौथा टैक्स क्रेडिट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हंड्रेड परसेंट टैक्स क्रेडिट मिलता है कौन है सर दो लोग है, चार हैं चार शर्तें हैं पहला कौन है जो बंदा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और बिजली बनाने के लिए कोल सप्लाई करता है वो और दूसरा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से मंजूर शुदा है उस बंदे को इन दोनों लोगों को हंड्रेड परसेंट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर चार शर्तें पूरी हो जाए चार शर्तें कौन सी हैं शर्त नंबर वन आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हो शर्त नंबर टू क्स रिक्वायर टू भी डिडक्टेड कलेक्टेड नंबर थ्री विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट टैक्स है मंथली चार बातें हैं सर जी बात नंबर वन एनुअल रिटर्न फाइल की हो बात नंबर टू टैक्स जो डिडक्ट या कलेक्ट करना था वो करके जमा कराया हो बात नंबर थ्री विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा कराई हो बात नंबर फोर एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराई हो ये चारों बातें चार शर्तें दो बंदे हैं अगर ये पूरे हो जाएं शर्तें इन दो बंदों की तो हंड्रेड परसेंट टैक्स क्रेडिट मिलेगा दो बार पास पेपर में आ चुका हुआ लेकिन इस बार जो मुझे लगता है ना इसने आना है ये जो इससे अगला पॉइंट है एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर दे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कर दे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि एलिजिबल पर्सन कौन है एलिजिबल पर्सन कौन है इसका जवाब है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यार ये असिम्ली बंद हो सकता है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या शिप बिल्डिंग ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि एंगेज हो मैनुफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या शिप बिल्डिंग दूसरा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि एंगेज हो मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फॉर द जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोर्सिज लाइक सोलर एंड विंड

लैंड विच हैज नॉट बीन प्रीवियसली यूटिलाइज लैंड जो पहले यूटिलाइज नहीं हुई बिल्ड विदाउट डेमोस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फैसिलिटी और सर जी लैंड जो पहले इस्तेमाल ना हुई हो बिल्डिंग जो पहले इस्तेमाल ना हुई हो इधारा कंपनी जो पहले ना बनी हो टेक्नोलॉजी जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल ना हुई हो और वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से अप्रूव हो और कमिश्नर ने भी उसे अप्रूव किया हो ये सारी शर्तें पूरी होंगी तो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनेगा सर क्या सबसे पहले लैंड पहले इस्तेमाल ना हुई हो बिल्डिंग पहले इस्तेमाल ना हुई हो कंपनी पहले इस्तेमाल ना हुई हो चौथा क्या है टेक्नोलॉजी जो पहले इस्तेमाल ना हुई हो पांचवा क्या है इंजीनियरिंग बोर्ड जो है वो अप्रूव कर दे और फिर उसके बाद छटा गया है इज अप्रूव बाय कमिश्नर कमिश्नर भी इसको अप्रूव कर ये सारी चीजें पूरी हो जाएं तो ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन थर्टी जून 2019 एंड थर्टी जून 2024 टैक्स क्रेडिट है फॉर थ्री इयर्स अच्छा जून ये इस पीरियड के दौरान बनी हो कंपनी तीस जून दो हजार उन्नीस से दो हजार चौबीस के दरमियान बनी हो और टैक्स क्रेडिट कितना हो टैक्स क्रेडिट फॉर थ्री इनकॉरपोरेटेड बिफोर एक जुलाई दो हजार तेईस इनकॉरपोरेटेड बिफोर एक जुलाई दो हजार तेईस ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो ऑल्टरनेट एनर्जी से बिजली बना रहे हैं ये एक जुलाई दो हज़ार तेईस से पहले इनकॉर्पोरेट हुई हो और टैक्स क्रेडिट मिलेगा पांच साल के लिए ये बड़ी अहम बात है कि आप तक जित इस क्रे, इस टैक्स क्रेडिट के अलावा कोई ऐसा टैक्स क्रेडिट नहीं है जो कैडिट फॉरवर्ड होता हो ये वो वाहिद टैक्स क्रेडिट है जो कैरेट फॉरवर्ड होता है अगर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल है, तो दो साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो रहा है और अगर सोलर और विंड बनाने से बिजली बनाने का कोई प्रोजेक्ट है तो चार साल सर या पांच साल के लिए क्रेडिट मिल रहा है ना यानी एक साल वो और अगले चार तो कैरेट फॉरवर्ड कितने अरसे के लिए होगा चार साल एलिजिबल पर्सन ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की बात करने लगा हूं सर जी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए सर जिस चीज पर इन्वेस्ट करें वो जीरो मीटर हो जीरो मीटर ब्रांड हो पुरानी नहीं यूज्ड नहीं मशीनरी नहीं बिल्डिंग नहीं इक्विपमेंट नया हार्डवेयर नया सॉफ्टवेयर नया कोई सेल्फ जनरेटेड भी नहीं होना चाहिए और कोई यूज्ड भी नहीं होना चाहिए कोई सेल्फ जनरेटेड भी नहीं होना चाहिए और कोई यूज्ड भी नहीं होना चाहिए मिलेगा क्या टैक्स क्रेडिट मिलेगा टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट तो यार मिलियंस में होती है इसका क्रेडिट भी मिलियंस में होता ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट भी एलिजिबल होनी चाहिए और वो पर्सन भी एलिजिबल होना चाहिए यहां पर एक चीज बड़ी अहम है समझने वाली वो ये है कि क्या पता वो आपको सवाल दे दे और उसमें आपको चार चीजें नहीं बताए और सॉफ्टवेयर बता दे कि सेल्फ जनरेटेड है मार्केट में ऐसा सौ रुपये का मिलता है हमारा तीस रुपये लगे हैं आपने कहना है भाई इस पर इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा यूज है या सेल्फ जनरेटेड है उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना जब आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है तो वो सॉफ्टवेयर जो सेल्फ जनरेटेड है उसको क्या कर देना है निकाल देना है उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा नहीं सर एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मीन इनकम विच सेफाइज दंडीशन सर मैंने टैक्स क्रेडिट वाली सारी बात आपको बता दी ये जो ये जो सामने आपकी शीट आ गई है ना ये मास्टर शीट है जैसे जैसे आप किताब पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इस शीट की कदर पड़ेगी इस, इस शीट में हर चीज लिखी हुई है और ये हम आपके लिए आपको साथ दे रहे हैं सर जी अब मैं आ गया हूँ की तरफ सर हमने बार बार पढ़ा था एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्ट होती है यस एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम होती है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है इसका जवाब है वो इनकम जो जमीन से कमाई जाए और वो जमीन पाकिस्तान में मौजूद हो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है जमीन से कमा जमीन से कमाई जाने वाली इनकम वो एग्रीकल्चरल इनकम आएगी अच्छा जी अब आगे चलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्ट होती है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जैम्ट होती है वो इनकम जो ज़मीन से कमाई जाए द इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट और रेवन्यू द लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर इनकम एंड बी सिचुएटेड इन पाकिस्तान और वो इनकम जो ज़मीन से कमाई जाए और वो जमीन पाकिस्तान की हो और वो ज़मीन इस्तेमाल किसके लिए हो रही हो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हो एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव बाई अ पर्सन ड्यूरिंग दर शेल बी एग्जैम्ड फ्रॉम टैक्स ये एग्जैम्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आर अच्छा अगर कोई बंदा अच्छा एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड का इसका क्या मतलब है मेरी जमीन थी मैंने एक बंदे को जमीन ठेके पर दे दी उससे तय ये किया कि फिफ्टी परसेंट फसल मैं लूंगा अब जो मैं रेंट इन काइंड ले रहा हूं इसको कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड मैं ये फसल लेकर बेचकर पैसे कमाऊं वो भी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम एक बंदा जो एक बंदा जो एग्रीकल्चर इनकम कमाए एग्रीकल एग्रीकल्चर उगाए और उसको बेचकर पैसे कमाए वो भी उसकी इनकम भी एग्जेमट है एक बंदा जो, जो जमीन ठेके पर दे और उसको ठेके के तौर पे जो पैसा ठेके के तौर पे जो फसल का हिस्सा मिले उसको बेचकर पैसे कमाए वो भी क्या होता है एग्जाम्ट होता है तीसरे नंबर पर वो कहता है कोई ऐसा काम करे जिससे वो फसल मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए यानी गंदुम के दानों को खोशों से आहदा करना ताकि गंदूम मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए इसको कहते हैं इसको कहते हैं ये भी एग्रीकल्चरल इनकम तो भाई एग्रीकल्चरल इनकम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात है कल्टीवेटर काशकार की इनकम दूसरी बात है रिसीवर ऑफ रेंट काइंड उसकी इनकम तीसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर आप कल्टीवेटर ने कोई ऐसा प्रोसेस किया जिसके जरिए वो कल्टीवेटर ने कोई ऐसा प्रोसेस करी किया जिसके जरिए वो इनकम वो सॉरी वो फसल मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए वो भी एग्जाम है तीसरा इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग शेल बी एग्रीकल्चरल इनकम ये तीसरी बात है सर अगर वो बिल्डिंग फसल के साथ कनेक्टेड जगह पर बनी है अगर वो बिल्डिंग फसल के साथ कनेक्टेड जगह पर बनी है इनकम फ्रॉम बिल्डिंग शेल आल्सो भी एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बिल्डिंग इज ओन्ड एंड रेंट इन काइंड बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन एन इमीजिएटी ऑफ द लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर परपज बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस भजन आपने बिल्डिंग बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल इनकम जहां से कमा रहे हैं बिल्डिंग से अगर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं वो कैसे कमा सकते हैं जहां पर फसल लगी हुई उसके साथ ही कनेक्टेड जगह पर एक बिल्डिंग है वो उस बिल्डिंग को गोदाम के तौर पे यहाँ लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आप उसका किराया ले रहे हैं तो ये किराया भी एग्रीकल्चर इनकम होगा और एग्जेम्ट होगा एग्रीकल्चर इनकम होगा और एग्जाम होगा अच्छा ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर इनकम में शामिल क्या क्या है तो हमने कहा एग्रीकल्चर इनकम में क्या शामिल होगा पॉइंट नंबर जमीन जमीन की इनकम जो पाकिस्तान में मौजूद हो और एग्रीकल्चर परपज के लिए इस्तेमाल हो रही है फिर उसके बाद मैंने कहा एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या शामिल है एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या शामिल है इसमें हम आगे गए और हमने कहा था कि कल्टीवेटर यानी रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड की इनकम भी एग्जेम्प्ट है दूसरे नंबर पे हमने कहा था परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर कोई भी ऐसा प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जिससे वो चीज मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए वो और तीसरे नंबर पे बिल्डिंग का किराया अगर वो बिल्डिंग इमिजिएट वेस्टिनिटी में है और किसके लिए इस्तेमाल हो रही है रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है गोदाम के तौर पे इस्तेमाल हो रही है सर जी आगे चलता हूँ इनकम फ्रॉम अच्छा अभी एक मिसाल लो ये बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है फार्म्स uh, हैं वो खुद ही स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और उस स्ट्रॉबेरी को उगाकर बेचते हैं स्ट्रॉबेरी को उगाते हैं और स्ट्रॉबेरी को उगाकर उस जब स्ट्रॉबेरी उग जाती है उससे उसको जैम बनाते हैं और जैम बनाकर बेचते हैं स्ट्रॉबेरी को उगाने से जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स नहीं लगना लेकिन जैम जो बनेगा उसपे टैक्स लगेगा पॉइंट समझ आ रहा है तो यहां पर करेंगे ये कि बाज एग्रीकल्चर बाजात एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खुद आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको खुद अपने लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करें इस केस में कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसके बराबर लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर लेंगे और एक बार जब आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है तो याद रखना एक बार जब आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसका मतलब ये है कि अब आप बिल्कुल भी एग्रीकल्चरल एक्सपेंस इनकम में से माइनस नहीं कर सकते जब आपने एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया तो फिर अब आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई खर्चा भी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते अच्छा जी डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन डिप्लोमैटिक एंड यूनाइटेड नेशन की इनकम एग्जाम फॉरन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉरन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसका क्या मतलब है इसकी एक मिसाल देता हूँ क्या पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी में मौजूद जो ईरानी कौंसुलेट है एम्बेसिडर है उसकी सैलरी पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा तो इसका जवाब ये है कि ईरान में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर की सैलरी पर अगर ईरानी टैक्स लगाते हैं तो हम भी लगाएंगे अगर ईरानी माफ़ कर देते हैं तो हम भी माफ़ कर देंगे यही बात है भाई जान अगर वो फॉरेन गवर्नमेंट का बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है उसकी सैलरी एग्जेम्ट होगी अगर पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई वहां पर काम करे और वो लोग उसकी सैलरी को एग्जैम्ट करते हैं अगली बात कर देते हैं हम एग्जाम्शन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट एग्जामेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं यूएस एड का क्या सीन होता है अगर एड ने पोलियो बचाओ मुहिम शुरू की है अगर यूएस एड ने पोलियो बचाओ मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के लिए जो डॉक्टर है वो यूएस से ही आया अब इस डॉक्टर की सैलरी जो है वो इसी एड के पैसे से दी जा रही है तो क्या इस पे टैक्स लगेगा द आंसर इज नो इस पे टैक्स नहीं लगेगा हाँ जी बात यह है जिस मुल्क से एड आई है उसी मुल्क का डॉक्टर है उसी मुल्क का बंदा है और पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है या रेजिडेंट है तो सिर्फ इसलिए वो नौकरी कर रहा था और वो पैसे कमा रहा है और सैलरी कमा रहा है और सैलरी भी उसे किस पैसे से मिल रही है एड के पैसे से मिल रही है इस केस में जो सैलरी होगी वो <coughs> एग्जाम हो। सेम गोज अगर कोई कंसल्टेंट एक्सपर्ट या कॉन्ट्रैक्टर हो उसके लिए भी यही वाला रूल अप्लाई होता है अगर सदर पाकिस्तान कोई इनाम तोहफा दे किसी बंदे को तो वो एग्जाम होता है उस पर टैक्स नहीं लगता प्रॉफिट ऑन डेट मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उस वीडियो में ये वाली बात भी साथ ही डिस्कस हुई भी थी प्रॉफिट ऑन डेट एग्जैम होता है प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है एग्जाम होता है अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाए पैसा दिया किसने डेट दिया है पाकिस्तान के बाहर से किसी ने और डेट लिया है पाकिस्तान के रेजिडेंट ने ताकि किस मकसद के लिए बिजनेस करने के लिए तो देने वाला बंदा पाकिस्तान से बाहर है और लेने वाला बंदा डेट लेने वाला बंदा पाकिस्तान के अंदर है जो बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में वो डेट लेके इस केस में वो कहता है इस सिक्योरिटीज वाज वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर यूज इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द रेजिडेंट पर्सन इन पाकिस्तान प्रॉफिट वॉज पेड आउटसाइड पाकिस्तान सिक्योरिटी अप्रूव बाय द बोर्ड फॉर द सिक्योरिटी भी पाकिस्तान से बाहर है लोन पाकिस्तान में आया है और उस पर इंटरेस्ट भी पाकिस्तान से बाहर पे किया गया है और बंदा देने वाला नॉन रेजिडेंट है जो बिजनेस ने लोन लिया है वो रेजिडेंट है बिजनेस के लिए लोन ले रहा है और उसका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान से बाहर पे किया जा रहा है अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाए तो फिर ये प्रॉफिट ऑन डेट क्या होगा एग्जाम प्रॉफिट ऑन डेट एग्जाम होगा सर जी हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप मिले तो वो एग्जाम होगा मियाँ बीवी में लैद की हो जाए तलाक हो जाए शोर बीवी को पैसे दे बीवी शोर को पैसे दे अकमहर के पैसे दिए जाए जो भी दिया जाए वो क्या होगा

बिजनेस कर रहे हो लेकिन अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट किसी दूसरे सूबों की सूबे की हदूद में बिजनेस कर रहे हो तो इस पे टैक्स लगेगा और जब भी आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे होंगे तो टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट नहीं करेंगे अच्छा जी अब आ गई कॉन्सेप्ट अगला है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो बंदा जो, जो वो बंदा जो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है वो पाकिस्तान में सिर्फ नौकरी करने के लिए आया वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है और पाकिस्तान में रहते हुए तीन साल से ज्यादा नहीं हुए तो ऐसे बंदे को शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहा जाएगा पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सोली बाय रीजन ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट द पर्सन स्टे इन पाकिस्तान डज नॉट एक्सीड थ्री ईयर्स वो वो पर्सन जो है वो रेजिडेंट है रेजिडेंट इंडिविजुअल सिर्फ इसलिए चूंकि वो नौकरी कर रहा है काम कर रहा है और उसे पाकिस्तान में रहते हुए तीन साल से ज्यादा नहीं हुए ऐसे बंदे को शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहा जाता है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम होती है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम होती है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम होती है दिस नॉट बी अवेलेबल टू ये वाली एग्जामेशन अवेलेबल नहीं होगी यानी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी किसको अगर वो पैसे पाकिस्तान में लाए जाए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की इनकम होती है, है इसके के वो पैसे पाकिस्तान में ले आए पाकिस्तान में मौजूद एक चाइनीज इंजीनियर है उसका चाइना में प्लाजा है तो जो चाइना में उसका प्लाजा है उसकी इनकम पे टैक्स पाकिस्तान में लगेगा या नहीं तो आंसर इज नहीं लगेगा अलबत्ता अगर वो बंदा पाकिस्तान अगर उसकी इनकम पाकिस्तान में लाई जाए तो उस पर टैक्स लगेगा अगर ब्रॉड अगर उसने वो कराया बी एल पाकिस्तान के अकाउंट में वसूल किया है तो उस पे, पे टैक्स लगेगा इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस बिजनेस ऑफ पर्सन इन पाकिस्तान सर जी अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ने पाकिस्तान में बिजनेस करके पैसे कमा रहा है तो इस पे भी टैक्स लगेगा पांच बातें मैंने आपसे बताई सबसे पहला ये

रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट 2018 में एक बंदा रेजिडेंट था उन्नीस बीस इक्कीस बाईस इन चार सालों में वो बंदा क्या था नॉन रेजिडेंट था रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहते हैं लौट के आने वाले वो बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं रहा पिछले चार साल कम से कम लगातार चार साल 2018 में रेजिडेंट था 19 बीस इक्कीस बाईस में क्या था नॉन रेजिडेंट था 2023 में क्या हो गया फिर रेजिडेंट हो गया तो भाई वो कहता है भाई नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो तो टैक्सेबल नहीं होती ये तो आपको पता है लेकिन अगर वो रिटर्निंग है पिछले चार साल से पिछले चार साल से उसकी इनकम पिछले चार साल से वो नॉन रेजिडेंट है इस साल रेजिडेंट हुआ तो जिस साल रेजिडेंट हुआ वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरन सोर्स इनकम क्या होगी एग्जाम्पल ले सर ये सारी बातें मैंने आपको बता दी चैप्टर इलेवन से रिलेटेड अब आ जाओ चैप्टर थर्टीन मैंने टैक्स क्रेडिट आपको डोनेशन का भी पढ़ा दिया मैंने टैक्स क्रेडिट आपको डोनेशन का भी पढ़ा दिया और टैक्स क्रेडिट आपको कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड का भी पढ़ा दिया और हंड्रेड परसेंट टैक्स क्रेडिट भी पढ़ा दिया और एलिजिबल पर्सन अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे तो जो टैक्स क्रेडिट मिलता है वो भी पढ़ा दिया अभी एक टैक्स क्रेडिट गया कौन सा फॉरन टैक्स क्रेडिट उसकी बात कर लो सर क्रक्स बताने लगा पहली स्लाइड में अगर किसी बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम हो और उसने उस पर टैक्स पे किया हो और वो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जी फॉरेन सोर्स इनकम है फॉरेन टैक्स पे किया हुआ है फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल है तो स्टेप फोर क्या होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना ए ओवर बी इंटू सी के बराबर ना व्हाट इज ए टैक्स लाइबिलिटी व्हाट इज बी टैक्सेबल इनकम व्हाट इज सी फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल फॉरन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ फॉरन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन अच्छा ये फॉरन सोर्स इनकम है किस चीड़िया का नाम जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है इसी तरह ही फॉरेन सोर्स इनकम होती है जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम के हेड होते हैं इसी तरह ही फॉरेन सोर्स इनकम के हेड होते हैं जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम में इनकम होती है खर्चे होते हैं इनकम में से खर्चे लेस करके नेट इनकम लिखी जाती है इसी तरह ही फॉरेन सोर्स, सोर्स में भी लिखी जाती है अब मसला यह है कि अब मेरी बात आराम से सुनना अगर एक बंदा पाकिस्तान में पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान का रेजिडेंट है वो बाहर से पैसे कमाता है बाहर भी टैक्स देता है फिर पाक चूंकि वो रेजिडेंट है तो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है तो यहां पर भी टैक्स देता है उसको तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है इसका जवाब ये है कि जिस बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम हो और उसने फॉरेन में भी टैक्स दिया हो तो उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा कितना जितना उसने बाहर टैक्स दिया है या जितना उसका उसने पाकिस्तान में टैक्स बनता है विच एवर इज लो, उसके बराबर सर आ जाओ मेरे साथ मैं इधर उधर की बातें करने की बजाय ना एक एग्जाम्पल अगर करा दू ना इस एग्जाम्पल में तीन चार बातें सारी कवर हो जाएंगी जो जो मैं समझाना चाहता हूं सबसे पहली बात है फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा लिखो पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलीदा लिखो पाकिस्तान सोर्स इनकम आ गया उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम आ गया इनकम कितनी है प्लीज कैलकुलेटर निकाल के रखिएगा मैं ये चाह रहा मैं ये जितना भी समझा दू एक सवाल कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा फॉरेन सोर्स इनकम की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन सोर्स इनकम की मैं बात करूँ तो वो कौन सा है सर टोटल इनकम आ गई दस सतार लाख टैक्स लाइबिलिटी <coughs> लायबिलिटी इंडिविजुअल है नॉन सेलिड है पेज नंबर फिफ्टी वन का ऊपर वाला टेबल है सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बता दें भाई वन सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब मेरी बात सुनो फॉरेन सोर्स इनकम है यस yes. फॉरेन में टैक्स पे किया हुआ है यस फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल है यस yes. तीनों शर्तें पूरी हो गई फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा एक्चुअल कितना है एक्चुअल में कितना पे किया था बिजनेस के वाले से एक्चुअल में फोर्टी थाउजेंड पे किया था एक्चुअल में पे किया था फोर्टी थाउजेंड और दूसरे नंबर पे हमें क्या लगाना है ए ओवर बी इन टू सी वेवेंटी फाइव थाउजेंड व्हाट इज सी फॉरन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है जी कितना शामिल है इनकम फ्रोम जी बताइएगा कितना बन रहा है फाइव वन फोर सेवन वन जी सर जी तो हम कौन सा लेंगे अच्छा जी फिर उसके बाद आ जाओ फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैपिटल गेन एक्चुअल कितना था ढाई लाख एक्चुअल ढाई लाख था ना सर अब दूसरा क्या है ओवर बी इंटू सी ना वन सेवन थाउ वट इज बी वन पॉइंट सेवन मिलियन सी फॉरन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है जी फोर सिक्स भाई डन हो गया सर इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आ गया कैपिटल गेन भी आ गया अब जो असल पॉइंट सिखाना है ना वो पता क्या है एक तो आपको यहां पर यह बात सिखाया कि दो अलग-अलग फॉरन सोर्स इनकम है उस पर दो अलग-अलग टैक्स दिए तो अलग-अलग कैलकुलेट करना पॉइंट समझ आ रहा है इसका मतलब यह है कि इकट्ठा कैलकुलेट नहीं करना आपने आप गौर करें इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्स क्रेडिट मैंने अलहदा कैलकुलेट किया कैपिटल गेन का टैक्स क्रेडिट मैंने अलहदा कैलकुलेट किया ये इकट्ठा कैलकुलेट नहीं दूसरी बात ये सिखानी है कि अगर इसके अलावा और भी कोई टैक्स क्रेडिट हो तो फिर क्या करना सबसे पहले वन सेवनटी फाइव में से ये दोनों लेस कर दें ले। कितना आ गया सिक्स सेवन सिक्स ये टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरन टैक्स क्रेडिट अब जो टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन अब जो डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है उसके लिए आपने लाइबिलिटी लेनी है एट एट सिक्स सेवन सिक्स ये वाली अमाउंट लेना बी इन टू सी नाउ व्हाट इज ओवर बी बी क्या है ए ओवर बी इंटू सी सी क्या है लोर ऑफ एक्चुअल डोनेशन थी दस हजार की थर्टी परसेंट पांच लाख दस हजार बनता है जी सर कितना हो गया एट एट मिलियन मल्टीप्लाई दस हजार जी ये टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया अब हमारे पास आंसर आ गया डबल एट मैंने आपको बातों बातों में पता है क्या सिखा दिया फॉरन टैक्स क्रेडिट को निकालना सिखा दिया फॉरेन टैक्स क्रेडिट को निकालना सिखा दें आपके पास अगर उसके अलावा भी टैक्स क्रेडिट हो तो भाई फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालने के बाद जो लेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करेंगे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए एक कैलकुलेश बात आपको सिखा दी एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करती है फॉरेन सोर्स इनकम हो फॉरेन टैक्स पे किया हो फॉरन सोर्स इनकम टैक्सीबल इनकम में शामिल हो तो फॉरन टैक्स मिलेगा ए ओवर बी इन टू सी ना वट इज ए टैक्स लाइबिलिटी बी टैक्सेबल इनकम वट इज सी फॉरन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है सिर्फ इसके हवाले से जो आखिरी बात अब आपको बतानी है वो सुने और आज की ये वाली बात खत्म वो ये कि अगर फॉरन में लॉस आ जाए तो क्या करेंगे याद रखना फॉरन का लॉस फॉरन की इनकम के साथ एडजस्ट होता है जिस हेड का लॉस होगा उसी हेड की इनकम के साथ एडजस्ट एडजस्ट होगा। अगर ना हो सका, साल के लिए छेट फॉर्म फॉरन लॉस के बारे में क्या रूल है जिस हेड का लॉस होगा उसी हेड की इनकम के साथ एडजस्ट होगा और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरेट फॉर्म डन हो गया सर जी ये सारी चैप्टर थर्टीन भी आपको करवा दिया चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व डिसीज इंडिविजुअल वो बंदा जो फौत हो गया अगर उसकी कोई इनकम थी तो उस पर टैक्स लगेगा यस yes. कौन जमा करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना अगर वो जिंदा होता तो जितना टैक्स लगना था उसके मरने पर भी उतना ही टैक्स जमा करवाया जाएगा अगर वो बंदा जो जायदाद छोड़ के गया वो सौ रुपए किया है उसका जो टैक्स बन रहा है वो एक सौ पचास है तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी जेब से पैसे अदा करेगा द आंसर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल नहीं होता वो अप टू द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन लाइबल होता है अगर आपने कोई आर्टिस्टिक चीज बनाई है जो जिसको काम करते हुए आपको 24 माह से ज्यादा हो गए हैं और आपने वो चीज बनाकर बेची है तो जो इनकम होगी उसे तीन साल पे तकसीम करके डिवाइड बाय थ्री आपके पास ऑप्शन है कि जितनी इनकम आई उसे डिवाइड बाय थ्री करके तीन सालों में इक्वली तकसीम करके टैक्स करें माइनर चाइल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है यस yes. उसके माँ या बाप दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो माइनर चाइल्ड की इनकम माँ या बाप जिसकी इनकम ज्यादा हो उसकी इनकम में ऐड होती है और उसपे टैक्स लग जाता <गणगा> एओपी की बात करने लगा एओपी क्या है जब एओपी का लफ्ज आए आपके जहन में पता क्या आना चाहिए पार्टनरशिप का जो हिस्सा किसी मेंबर को मिलता है उसपे टैक्स लगता है या नहीं लगता वो कहता है एओपी की जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है लगने के बाद हिस्सा में मिलता है जो हिस्सा में मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं यह वाली बात फॉर एग्जाम्पल एक एओपी है जिसकी इनकम है बारह लाख एक एओपी है जिसकी इनकम है बारह लाख टैक्सीबल इनकम बाई एज टू मिलियन एंड ऑल्सोड इंडिविजल अच्छा ये बारह लाख है इसका ए और बी में तकसीम हो जाना है किस तरह बारह लाख का टू बाय फाइव और बारह लाख का थ्री बाय फाइव इस तरह से दोनों में तकसीम हो जाना अच्छा अब अगली बात ये है ये कितना बना है सर बताते हैं फोर एटी फोर एटी सेवन ट्वेंटी ए पी का हिस्सा है ए के शेयर है जो ए और बी को में तकसीम हुआ है अगर ए की इसके अलावा भी इनकम है कितनी इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस है पांच लाख और जक़ात पे की है सर टैक्सेबल इनकम कितनी है ये मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम शेयर ऑफ एओपी कितना है टैक्सेबल इनकम है चार लाख अस्सी हजार शेयर ऑफ एओपी है चार लाख अस्सी हजार टोटल इनकम फॉर रेट परपज इज एंड नौ लाख साठ हजारिटी फॉर रेट परपज निकालिएगा आपने करना क्या होता है आपने मिस्टर ए की इंडिविजुअली इनकम निकाल ली जो टैक्सेबल इनकम है इसमें शेयर ऑफ एओपी ऐड कर दिया टोटल इनकम फॉर रेट परपज निकाल ली टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट परपज भी निकालिए थर्टी टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट ए ओवर बी इंटू सी नाउ वट इज ए टिटी थर्टी नाइन ओवर बी नौ लाख साठ हजार इंटू सी जी सर नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर आपने गौर किया कि एओपी का जो हिस्सा मिस्टर ए को मिला है उसके साथ किया क्या है मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम अलहदा निकाली एओपी का वो हिस्सा जो मिस्टर ए को मिला है उसको ऐड कर दिया टोटल इनकम निकाली रेट परपजेज पर के पर लिए टैक्स लाइबिलिटी निकाली रेट परपज पर 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 के लिए और फिर एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ले ली जो थर्टी नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई नाइन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई फोर एटी जी इस तरह से आपने करना होता है यही असल करक्स और डिस्कशन है एओपी की कि भाई एओपी अपनी इनकम पर खुद टैक्स देता है अब एओपी ने अपनी इनकम पर टैक्स दे दिया टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो उसने मेंबर को दिया तो जो मेंबर को पैसे मिले उस पर दोबारा टैक्स लगेगा तो, no. नहीं लगेगा एओपी ने जो एक बार टैक्स दे दिया तो मेंबर को उसका हिस्सा मिलने पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा रेट अलबत्पजेज के लिए एड होगा इनकम में अब आप गौर करेंगे ये चार लाख अस्सी हजार ये वाला है ये इनकम में रेट परपज के लिए एड हो रहा है तो रेट परपज के लिए इनकम में ऐड होगा ये पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है जो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि पहले एओपी की वर्किंग करते हैं फिर एओपी के बाद मेंबर्स की वर्किंग करते हैं और जब मेंबर्स की वर्किंग करते हैं तो उसमें शेयर ऑफ एओपी लेते हैं रेड परपज के लिए ऐड करने के लिए और सर समझ आ रही है तो ये वाली बात है सर ये देखो फिर उसके बाद यहां पर उसने एक बात कही ये देखो ए ओ पी का जो हिस्सा मेंबर को मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता बल्कि वो एग्जाम होता है लेकिन रेट परपजिस के लिए मेंबर की इनकम में शामिल होता है ये वाला जुमला सिखाने के लिए मैंने पूरी एग्जाम्पल करवा दी और यस और नो समझ आ गई आगे आ, आ जाओ अगर एओपी के मेंबर्स में एक मेंबर मेंबर कंपनी हो तो क्या होगा? अगर AOP के में एक मेंबर कंपनी हो तो क्या होगा वो कहते हैं कंपनी जब एओपी की टोटल इनकम निकालने होंगे तो कंपनी का जो हिस्सा होगा कंपनी का जो शेयर होगा वो लेस कर देंगे चूंकि कंपनी पर एओपी वाला रेट नहीं लगना कंपनी पर कंपनी वाला रेट लगना है। एक पास पेपर का सवाल है काम काज वो इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है एओपी में अगर लॉस आ जाए एओपी की इनकम आ जाए और शेयर ऑफ इनकम हो तो फिर तो रेट परपज के लिए मेंबर की इनकम एड होती है लेकिन अगर एओपी में लॉस आ जाए तो उसे क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे एओपी के लॉस को इग्नोर कर देंगे सर जी वो कहते हैं कैसे निकालेंगे टैक्स कैसे लगाएंगे इंडिविजुअल जो के मेंबर ऑफ एओपी है उसकी इनकम पे टैक्स कैसे लगाएंगे ए ओवर बी इन सी करेंगे व्हाट इज ए टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पज व्हाट इज बी टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज व्हाट इज सी मिस्टर इंडिविजुअल की अलीदा टैक्स यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये ओवर बी इन टू सी करके भी आपको दिखाया है कहां पर ये देखो ये ये जो मैंने किया है ना दिस इज एक्चुअली ओवर बी इंटू सी सर पांच बातें न्यूमेरिकल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एओपी में वो पांच बातें सुनने बात नंबर वन

अब आप ये बात कर सकते थे सर एओपी है बारह लाख बारह लाख पे टैक्स बनता है तीस हजार बारह लाख पे टैक्स बनता है तीस हजार तो बकाया बारह लाख में तीस हजार निकाल दें तो पीछे कितना बचा तो वो टैक्स लेस करने के बाद नहीं तो उनको तकसीम करना उसने कहा जो एओपी अपने शेयर को तकसीम करता है मेंबर्स को वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट उसमें से टैक्स लेस नहीं आपने 12 लाख पूरा तकसीम किया है आपने 12 लाख में से टैक्स की अमाउंट लेस करने के बाद तकसीम नहीं किया क्यों लॉ कह रहा है सर किताब में ऐसे ही लिखा हुआ ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जिसे शामिल किया जाता है टैक्सेबल इनकम में रेट पर सर जी अगर एओपी में लॉस आ जाए तो वो मेंबर की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा अगर चौथी बात अगर एओपी इफ एन एओपी हैज अ इनकम दैट फॉल अंडर एफटीआर अगर एओपी की एफटीआर इनकम हो तो वो रेट परपज के लिए मेंबर की इनकम में शामिल नहीं होगी अगर एओपी की एक्सैम्ड इनकम हो तो वो भी मेंबर की इनकम में शामिल नहीं होगी लो सर ये सारी डिस्कशन आपके साथ मैंने कर दी एक छोटी सी थोरेटिकल बात चैप्टर ट्वेल्व में उसके बाद लिखी हुई है उसको डिस्कस करूं ट्रांसफर ऑफ एसेट transfer of asset where any property is transferred to another purpose but asset remains the property of the transfer rental income of such property will be treated as income of the transfer वो कहता है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है किसी दूसरे को बाप ने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है लेकिन किराया अभी भी बाप ले रहा है तो असल में प्रॉपर्टी का मालिक किसको समझा जाएगा बाप को और किराया बाप की इनकम में शामिल हो गए टैक्स होगा अगर बाप ने प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दी है और ये ट्रांसफर इिवोकेबल है तो भाई फिर समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी बच्चे के नाम मुंतकिल हो चुकी अगर शोहर ने बीवी के शोहर ने बीवी के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो समझा जाएगा ये शोहर की प्रॉपर्टी है हाँ अगर बीवी ने बाकायदा पैसे दे के ये प्रॉपर्टी ली है तो इसे बीवी की प्रॉपर्टी समझा जाएगा या बीवी ने अलीदगी इख्तियार करके ये, कर ये प्रॉपर्टी ली है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट तो इसे बीवी की प्रॉपर्टी समझा जाएगा अगली बात यह है कि अगर शोहर ने बीवी से पैसे लेकर प्रॉपर्टी बीवी के नाम की है लेकिन बीवी के पास पैसा शोहर नहीं दिया था शोहर के पास से ही वो पैसा आया था जो उसने बीवी को दिया था और फिर बीवी ने शोहर को वो पैसा दे के प्रॉपर्टी ली इस केस में समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी शोहर की है तो बात कहाँ मुकी बात कंक्लूड ये भी शोहर ने बीवी को प्रॉपर्टी दी समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी शोहर की है अलबत्ता शोहर ने बीवी को प्रॉपर्टी दी अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट तो समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी बीवी की है बात नंबर थ्री शोहर ने बीवी को प्रॉपर्टी दी और उसके आवाज पैसे लिए तो समझा जाएगा ये प्रॉपर्टी बीवी की है बात नंबर फोर शोहर ने बीवी को प्रॉपर्टी दी और उसके बदले पैसे लिए लेकिन वो पैसे बीवी के पास कहां से आए थे शोहर नहीं दिए थे तो सर समझ आ रही है इस केस में समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी शोहर की लेकिन जनाब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली आ गई पार्टनरशिप में एक पार्टनर ऐड हो गया एक पार्टनर खत्म हो गया पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब्दील हो गई कोई भी तब्दीली आ गई जिस तरह अकाउंटिंग में करते थे उसी तरह टैक्स में करेंगे सर अगर एओपी खत्म हो गया अगर डिसकॉन्टिन्यूस अगर एओपी खत्म हो गई है हो गई है, तो डिजोल्व होने के वक्त जो जो पार्टनर थे उनकी लाइबिलिटी होगी कि वो जो टैक्स है वो जमा कराए सक्सेशन टू तो बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ डेथ के डेथ नहीं भी उसके अलावा सक्सेशन है

अदर देन डेथ बंदा मरा नहीं है जिंदा है लेकिन उसने हैंड ओवर कर दिए इख्तियार तो जब सक्सेशन हुई है उसके पहले तक प्रीडिसेसर पहले वाला उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो टैक्स जमा कराए और सक्सेशन के बाद सक्सेसर बाद वाला उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स जमा कराए अगर प्रीडिसेसर टैक्स वालों को नहीं मिल पाता तो टैक्स वाले सक्सेसर से पैसे ले लेंगे और प्रीडिसेसर को कहेंगे और सक्सेसर को कहेंगे कि तुम से पैसे रिकवर कर लो सर ये पॉइंट है सक्सेशन का जो आपके साथ डिस्कस हो गया सर यहाँ पर चैप्टर ट्वेल्व भी खत्म हुआ हम एक ब्रेक कर लेते हैं इसके बाद पंद्रह मिनट की ब्रेक है इसके बाद बड़ी डिटेल से मैंने आपको थॉरो नोमरिकल्स कराने नोमरिकल का फॉर्मेट कराऊंगा उसके बाद एक नोमरिकल प्लान करके आया मैं Uh, वो पूरा नुमेरिकल आपको कराऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल को हल कैसे करते हैं ये एक जनरल डिस्कशन नहीं होगी ये फुल फ्लैज न्यूमेरिकल सेशन होगा इन आफ्टर 15 मिनट्स थैंक यू जी ये डे टू का डे थ्री का सेशन टू यहाँ पर ख़त्म होता है सेशन वन ख़त्म होता है थैंक यू जी ब्रेक आगे स्क्रीन पर ब्रेक तो रेजिडेंट था सर वो ये था सर तीन साल तक वो के 3 साल तक वो नॉन रेजिडेंट कटा शो होती है तो 3 साल तक कुछ भी जो फॉरेन से इनकम होगी वो तो टैक्सेबल हो जाएगी बजट में क्योंकि दो हज़ार उन्नीस में मैं बाहर से हूँ नॉन रेजिडेंट हूँ उन्नीस में आया हूँ ठीक है फरवरी के लिए 182 डेज़ से ज़्यादा मेरा पीरियड है पाकिस्तान के अंदर ठीक है तो मेरी मेरी रेजिडेंट बन गया तो मेरी जो इनकम होगी फोर हंड्रेड वो टैक्सीबल होगी ठीक है आगे अग अगले, दी, अगले है। तीन अगले तीन साल से तीन साल बाद अब वापस जा रहा हूँ मेरी हो गई सैलरी मैंने नौकरी छोड़ दी है वापस जा रहा हूँ पिछले तीन साल मैंने टैक्स पे किया वो उसका गया तीन साल तक टैक्स रिटर्न नहीं मिलेगी सैलरी कोई बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट सिर्फ नौकरी की वजह से है और उसे से पाकिस्तान में रहते हुए तीन साल से ज्यादा नहीं हुए उसके लिए उसने ये बात की 3 साल उससे पिछले नहीं वो उसको पिछले का मसला नहीं है आप करेंटली इस वक्त कि क्या होगा मुझे आपका सवाल समझ में समझ नहीं आया फिर मेरा ये था कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है ठीक है उस के बस वो उसका स्टे पाकिस्तान में 182 डेज से ज्यादा है ठीक है तो वह जब 182 डेज से ज्यादा रहा तो उसको हमने रेजिडेंट क्ले करते सैलरी के नौकरी पे है तो हम तो रेजिडेंट क्ले करते शॉर्ट टर्म रेजिडेंट रेजिडेंट ही होता है उसमें 182 डेज की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है सर रेजिडेंट हो गया तो उसके 3 साल तक मतलब 2 साल पूरा है 2 साल उसने लगता है रहोगे पाकिस्तान में सर इसके जो 2 साल की फॉरनर्स इनकम आ रही है उसका वहां पे ब्लाज था जो भी तरह से इनकम आ रही है तो सिर्फ वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी नहीं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल एंड नॉट नहीं होती यार मुझे टिश्यू देना भाई यहां पे नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर डाइस के अंदर रेजिडेंस परपस ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है ना वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल है और रेजिडेंट होने से पहले बताना पड़ेगा कि कितने साल के लिए तो हमने देखना है तीन साल से ज्यादा कम कम हुए, कम हुए तो शॉर्ट अगर तो तो नहीं न्यूमेरिकल ही आता है जब बस एवरीथिंग इतना बताया उतनी ही अंडरस्टैंडिंग काफी है कॉन्सेप्ट होना चाहिए न्यूमेरिकल आना ठीक है अभी 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 कराने लगा बड़ी मुश्किल बुलाया सेकेंड सेशन है और इसमें हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के न्यूमेरिकल्स करने हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको इनकम टैक्स का फॉर्मेट डिस्कस करा देता हूं ताकि आप लोग इनकम टैक्स के फॉर्मेट को ग्रैब कर लें या ऐसे कहूँ कि भी इनकम टैक्स में मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसको देख लेते हैं इनकम टैक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं सर जी ए बी सी यहां पर लिखना होता है हमने कंप्यूटेशन ऑफ अच्छा कंप्यूटेशन ऑफ के बाद नॉर्मली हम करते ही हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो वाले वर्ड्स लिखते हैं रिक्वायरमेंट में उसने टोटल इनकम लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम लिखा हुआ है टैक्स लाइबिलिटी लिखा हुआ है टैक्स पेबल या रिफंडेबल लिखा हुआ है जो लफ्ज़ उसने लिखा हो प्रेफरेंस ये होती है टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी वो लिख दीजिए जो उसने रिक्वायरमेंट में पूछा हो और फिर उसके बाद टैक्स ईयर लिख दीजिए फिर उसके बाद टैक्स ईयर लिख दीजिए अच्छा जनाब ये बात हो गई तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी है प्रॉपर्टी है बिजनेस है कैपिटल गेन है अदर सोर्स है इन सब को ऐड करें उसके बाद एफ टी आर इनकम है एफ टी आर इनकम है सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स इस सब को करें फिर एफ टी आर को करें एफ टी आर भी कर लिया एग्जाम इनकम करें इस सारी इनकम को टोटल करेंगे तो आएगी पाकिस्तान सोर्स इनकम मैं मैक्सिमम चीजें जो न्यूमेरिकल में आ सकती हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं पाकिस्तान सोर्स इनकम फिर उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम ले लीजिए और फिर यहां पर आ जाएगा टोटल इनकम टोटल इनकम जब शो कर दिया तो उसके बाद सबसे पहले आपने एफ टी आर इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एग्जाम इनकम इन तीनों को क्या करना है लेस करना एफ टी आर इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम और एग्जाम इनकम इन तीनों को लेस करना है टोटल इनकम में से इन तीनों को लेस कर दिया तो आ गया इसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस लेस करना है डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन सा है वर्कर वेलफेयर फंड जक़ात है वर्कर वेलफेयर फंड है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है और एजुकेशनल एक्सपेंस इसको लेस किया तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया टैक्सेबल इनकम आ गई टैक्सेबल इनकम पर रेट अप्लाई करेंगे स्लैब तो टैक्स लाइबिलिटी आ गई टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी आ गई जी टैक्स लाइबिलिटी के बाद आ जाता है टैक्स क्रेडिट सबसे पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट लेस करेंगे नहीं भाईजन उससे भी पहले होता है फुल टाइम टीचर या, सगीर वाला जो सवाल है उसमें फुल टाइम टीचर और रिसर्चर वाला क्रेडिट था पहले वो लेस करना होता है टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फुल टाइम टीचर अच्छा जी फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं फॉरन टैक्स क्रेडिट और फॉरन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल ओवर बी इंटू सी इन दोनों में से कौन सा लिया जाता है लो ये ए क्या होगा ये वाला जो है ना ये यहां पर en lo ordené फुल टाइम फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी लेस हो गया उसके बाद आ गया टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये जो टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट है इसके बाद टैक्स क्रेडिट आना है डोनेशन का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इन दोनों में से कौन सा लेंगे डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इन दोनों में से कौन सा लेंगे ये दोनों ले सकते हैं लेकिन इसमें ए ओवर बी इन टू सी है तो जो ए होगा वो ये वाला ही इस्तेमाल होगा खैर ये भी लेस हो जाएगा जब ये क्रेडिट्स निकल जाए तो फिर उसके बाद आ जाएगा टैक्स ऑन एफ टी आर इसको प्लस करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम इसको प्लस करेंगे और फिर उसके बाद आ जाएगा टैक्स ऑन एफ टी आर और टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर लेस कर देंगे किसको टैक्स ऑन इम्पोर्ट टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी टैक्स डिडक्टेड ऑन एफ टी आर और ये सब होने के बाद फिर फाइनली आपके पास आ जाएगा टैक्स पेपर ये फॉर्मेट है इस तरह से मैक्सिमम चीजें ये होनी चाहिए आपके पास पर इसकी पीडीएफ बनाकर ना बच्चों को शेयर करनी है मैक्सिमम ये चीजें आनी है सवाल में जी आगे सवाल करवाऊँ नोट कर लिया ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 2023 एंड ट्वेंटी थ्री की अटेम्प्ट का सवाल है वो अच्छा सवाल है मिस्टर शेंग के नाम से इसको करते हैं शेंग अच्छा चाइनीज हैज बीन पाकिस्तान सिंस टैक्स ईयर 2015 जैसे ही चाइनीज का नाम आया ना मेरे में दो चीजें आई हैं यार ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तो नहीं है सर समझ आ रही है बाहर से इधर आया पाकिस्तानी सिटीजन है बाहर गया हुआ था तो ये सोचें रिटर्निंग एक्सपेक्ट तो नहीं है बाहर आ... बाहर का बंदा पाकिस्तान आया हुआ तो ये सोचें कि, कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तो नहीं मिस्टर शेंगा चाइनीज सिटीजन हैज बीन इन पाकिस्तान सिंस दैट द ईयर 2015 फॉर कैरियर ग्रोथ ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड एंड अनलिस्टेड एफएमसीजी ऑन 31 सितंबर 2022 एंड जॉइंड अ लीडिंग चेन ऑफ होटल्स नेमली डिज़ायर होटल ऑन एक अक्टूबर दो हजार बाईस द डिटेल ऑफ इज एमोलेंट डीस जून दो हजार तेईस एचन और ये जनाब उसने बातों बातों में आपको बता दिया है कि तीन माह उसने काम एचन में किया है तीस सितंबर तक जुलाई अगस्त सितंबर तीन माह तक काम उसने एचन में किया है और उसके बाद काम उसने डी एच में बेसिक सैलरी पर मंथ है मेडिकल अलाउंस पर मंथ है यूटिलिटीज अलाउंस पर मंथ है लंच प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर एट सब्सिडाइज रेट है कम सर जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो बड़ी ध्यान से सबसे पहले इनिशियल रीडिंग करनी चाहिए अभी कुछ नहीं पेपर पे करना सिर्फ सवाल ध्यान से देखना अभी कुछ लिखना नहीं है सिर्फ समझना है लंच है कंपनी मेंटेनड कार है कॉस्ट है जी फिर उसके बाद आ गया कंपनी कार की कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू है फिर एनुअल बोनस रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2022 है पिछले साल से रिलेटेड बोनस और ग्रेचुटी अंडर अन स्कीम है अच्छा जनाब टू रिटर्न एयर टिकट टू चाइना टू द एक्सटेंट ऑफ लाख फॉर मिस्टर शेंग एंड एंडस ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड साढ़े पाँच लाख ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग टू चाइना जी यहाँ पर एक चीज़ बड़ी जरूरी है उसको देखने की छ लाख ,00 तक का बजट दिया था मिस्टर शेंग को कि वो अपनी बीवी के साथ चाइना से हुआ है रिटर्न टिकट दी थी मिस्टर शेंग ने साढ़े पाँच लाख की ये टिकट खरीदी अब यहाँ पर बहुत से बच्चों ने गलती ये की वो ये समझे कि छः लाख का फायदा एम्प्लॉयर ने दिया नहीं एम्प्लॉयर ने छः लाख की लिमिट दी थी फायदा साढ़े पाँच लाख का था साढ़े सात लाख रिसीव फ्रॉम साइनिंग अ बॉन्ड विद अकॉर्डिंग टू विच मिस्टर शेंग कैन नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशन बिफोर तीस जून दो हजार Office. Rupees four lakh received from DHS commission for securing a large contract. Payment of the outstanding loan of rupees three point eight million by DHS per the terms of employment contract. Shang has obtained the interest-free loan from HL for the construction of houses. एक जुलाई 2019 को द हाउस गिवन ऑन रेंट अंडर ईयर रेंटल एग्रीमेंट एट एन एनुअल रेंटल ऑफ आठ लाख भाईजन आउटस्टैंडिंग लोन था जिसको डी एच ने पे किया लोन पे करना लोन सेटल करना जो फायदा होगा वो इनकम में शामिल हो टैक्स होगा इस लोन से उसने घर कंस्ट्रक्ट कराया था और वो घर आगे किराए पर दिया हुआ है तो भाई यहाँ पर जो पहली बात देखी वो ये कि भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है आपने इनिशियल रीडिंग में करना क्या है हेड्स आइडेंटिफाई करने एन टी आर है एफ टी आर है एग्जाम डिडक्टेबल अलाउंस है टैक्स क्रेडिट है ये चीजें इनिशियल रीडिंग में आइडेंटिफाई कर लें डरिंग दर ही रिसीव चाइनीज एन कितना इकतीस हजार पांच सौ का जो कितना बनता है नेट ऑफ तीस परसेंट टैक्स जो बारह लाख साठ हजार रुपए बनता है ये फॉरन सोर्स इनकम हो गई और इस पर टैक्स भी कटा हुआ है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा अब मैं सवाल पढ़ता जा रहा हूँ खिड़कियां खुलती जा रही दिमाग की के भाई इसके अंदर क्या क्या होना है डूरिंग दर ही रिसीव्ड कैश डिविडेंट ऑफ नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो कैश डिविडेंट है जिस पर पंद्रह परसेंट टैक्स कटा है और बोनस डिविडेंट कितना है टू थाउजेंड शेयर्स डिविडेंड कैश डिविडेंड तो एफ टी आर इनकम है ये अलबत् जो बोनस शेयर मिले हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा बोनस शेयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा ही ट्रांसफर्ड

अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्सनेसर रूल देयर अंडर कम्प्यूट टोटल इनकम टैक्स टैक्स पेपर मैंने सिर्फ एक बार रिलैक्स होकर सवाल पढ़ा है सवाल पढ़ के उसको हिसाब लगाया कि उसने कहाँ कहाँ से टेस्ट किया हुआ अभी तक मैंने लिखना शुरू नहीं किया अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जब मैंने इसको सारे को अच्छे से देख लिया अब अगला स्टेप है कि मैं इसको हल करूंगा मिस्टर, अब मैं दूसरी बार एक बार इनिशियल रीडिंग कर ली है अब दूसरी बार इसको पढ़ना है लेकिन पहले एक बार लिख ली थी मिस्टर शेंग कंप्यूटेशन ऑफ ये देखो ये वाली लाइने लिखो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल या रिफंड टैक्स ईयर दो हजार तेईस टेक्स ईयर दो हजार तेईस यहां पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग नंबर वन ये मेरी मेन शीट है इस पर मैंने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी और फिर मैंने सफा पलट दिया सफा पलट दिया और अगले सफे पर सबसे पहले ऊपर लिखा Working number one income from selling. Working number one income from selling Pleasure. हां जी एच एल में उसने तीन माह काम किया और डी एच में उसने नाइन मंथ प्लीज कैलकुलेटर पास रखे बेसिक सैलरी आ गया उसके बाद आ गया मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस जी कितना है सर बताइएगा एग्जाम कितना होता है अब यहाँ पर जैसे ही मैं ये पहुंचा है, एक बार मेरे जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि भाई नीचे मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं है चूके यहां पर नहीं है तो यहां पर लिख देंगे एग्जैम्ट अपू टेन परसेंट ऑफ बेसिक सेल जी हाँ जी इसका दस परसेंट ले लीजिए जी बताइएगा क्या बना वन थर्टी फाइव मेडिकल नाउस आ गया एग्जाम टू अच्छा जी उसके बाद आ गया यूटिलिटीज बीस हजार मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस तीस हजार मल्टीप्लाई बाय नाइन जी ठीक हो गया सर जी मैं आप लोगों के साथ ये सवाल कर रहा हूँ आप लोग नोट करने की बजाय सिर्फ ये आप लिखवा रहे हैं। मुझे मैं लिख रहा हूं आप मुझे साथ साथ बताते रहिए हम अच्छे से सवाल कर लेते इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देनी है मैं लंच हाँ जी दस हजार है और यहां पर पच्चीस हजार है अच्छा पहले तो वो काम करता था होब लिमिटेड में बाद में काम करने लग गया डिजायर होटल में सर जी अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को फ्री या सब्सिडाइज खाना दे तो वो टैक्सेबल नहीं होता बल्कि तो भाई वो नहीं आएगा सिर्फ ये दस हजार मल्टीप्लाई बाई थ्री आएगा और तो सर समझ आ रही है फिर उसके बाद आ गया कन्वेंस कन्वेंस कितना है कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है तो पांच परसेंट इंटू थ्री बाय बारह प्लस छ मिलियन इंटू फाइव परसेंट इंटू थ्री बाय ट्वेल्व जी सॉरी यहां पर सिक्स मिलियन नहीं आना बल्कि फाइव मिलियन आना है और यहां पर नाइन बाय ट्वेल्व आना है जी भाई तीन मिलियन का पांच परसेंट तीन बाय बारह और पांच मिलियन का पांच परसेंट नौ बाय बारह जी टोटल बताए टोटल उसके बाद आ गया बोनस अच्छा बोनस जिस साल से भी रिलेटेड हो मिला कब है इस साल मिला है तो बस ठीक है ग्रेच्यूटी ग्रेच्यूटी अनअप्रूव्ड है हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है एग्जाम अप टू सिक्स वन टू फाइव डबल जीरो इन दोनों में से लोअर कौन सा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक एग्जाम है तो टैक्सेबल कितना है डबल वन फाइव जीरो ट्रिपल जीरो जी सर जी ग्रेचुटी वाली बात भी हो गई अब आ गया एयर टिकट्स पांच लाख पचास हजार फिर उसके बाद आ गया बॉन्ड साइनिंग सात लाख Hmm. फिर उसके बाद आ गया सर जी चार लाख फिर उसके बाद आ गया पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन कितना है थ्री पॉइंट एट मिलियन पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन है थ्री पॉइंट एट मिलियन बाय पर दर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर जी डी एच ने थ्री पॉइंट एट मिलियन की पेमेंट कर दी है ये सेटलमेंट हो गई है लोन सेटलमेंट अब इसके बाद उसने कहा मिस्टर ने ये लोन इंटरेस्ट फ्री लिया था एच एल से डी एच ने, ने ये लोन अदा किया है। 1 जुलाई दो हजार उन्नीस को द हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट अंडर अ फाइव ईयर रेंटल एग्रीमेंट एट एन एनुअल रेंटल ऑफ आठ लाख तो पहला काम तो ये किया अच्छा बड़ी ध्यान से बात यहां पर एक ट्रिकी पॉइंट है एक तरफ तो एम्प्लॉयर ने लोन अदा किया है वो इनकम में शामिल कर देंगे दूसरी तरफ दूसरा जो एम्प्लॉयर था उसने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ था कितना थ्री पॉइंट एट मिलियन का इसका दस परसेंट लेकर तीन बाय बारह करूं नाइनटी और सर समझ आ रही है ये एक ट्रिकी बात थी अब अगला पॉइंट ये है कि ये लोन इसने इस्तेमाल किया है किराए पर देने के लिए रेंटल एग्रीमेंट इसमें यहां पर हम एक वर्किंग बना देते हैं वर्किंग नंबर टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है आठ लाख मल्टीप्लाई बाय आठ लाख मल्टीप्लाई बाय एनवल है यस इसको बारह से मल्टीप्लाई नहीं करना ये पहले ही साल आना है अच्छा जी कुछ इसने बताया नहीं है लेकिन एक बात तो मैं बताया रिपेयर तो लेस होना ही होना है इसे कितना रह गया अच्छा अब यहां पर एक चीज और भी है कि भाई आपने ये तो लेस किया है रिपेयर लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया था और वो लोन किस मकसद के लिए लिया था लोन लिया लोन से एसेट खरीदा एसेट से इनकम जो नेट हुई वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी उस इनकम में से ये इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा कितना जितना अंडर द हेड सैलरी आ गया प्लस जितना एक्चुअल में पे किया यार यही बताया ना सर जी यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन है नाइन्टी फाइव थाउजेंड जितना अंडर द हेड सैलरी आया या जितना एक्चुअल में पे कर दिया सर जी अब बताइएगा कितना बन बनिए Hmm. अच्छा जी यहाँ पर मैं रुक गया और मैंने ये वाली एडजस्टमेंट अब जाके की है ड्यूरिंग द ईयर ही रिसिव्ड चाइनीज यन है इकतीस हज़ार पाँच सौ दस परसेंट टैक्स कटने के बाद सॉरी तीस परसेंट टैक्स कटने के बाद जो इकतीस हज़ार पाँच सौ चाइनीज यन कितने बनते हैं बारह लाख साठ हज़ार वर्किंग नंबर थ्री फॉरन सोर्स इनकम चाइनीज इनकम आई है कितनी बारह लाख साठ हजार टैक्स डिडक्टेड ग्रॉस इनकम ग्रॉस इनकम कितनी होगी बारह लाख साठ हजार डिवाइड बाई पॉइंट सेवन जी तो भाई टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है? अब फॉरेन सोर्स इनकम है और फॉरेन टैक्स भी डिडक्ट हुआ है इसका एक ही मतलब है फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा अब यहां पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग हम नहीं कर सकते जब तक लाइबिलिटी ना निकली हो तो हमने बस ये वाली एडजस्टमेंट किया और लिख दिया कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट अभी निकलना है उसके बाद आगे कैश डिविडेंट वर्किंग नंबर फोर जी डिविडेंट नाइन सेवन सेवन फाइव जीरो डिवाइडेड बाय जी डबल वन फाइव ट्रिपल ये डिविडेंड इनकम है और टैक्स कितना है वन सेवन टू फाइव जीरो वर्किंग नंबर फोर्थ दो हजार बोनस शेयर थे जिस दिन बोनस शेयर दिया उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी ऑन द डेट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ बोनस एंड नॉन्तीस जून जी जब दिया था पच्चीस रुपए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पच्चीस मल्टीप्लाई बाय दो हज़ार इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अच्छा जी ये डोनेशन दी है इस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है और ये सवाल खत्म हो गया अच्छा इस पॉइंट पर आपने रुकना है आपने एक बार इनिशियल रीडिंग की सारे सवाल को स्कैन किया इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट है उसके बाद सवाल हल करना शुरू किया तो भाई इस पॉइंट पर जब सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी आपने रुक जाना और रुककर अपनी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी तक चीजों को कंप्लीट कर लेना सर सबसे पहले इधर से आज है सर जरा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल कीजिएगा फाइव पॉइंट वन मिलियन वन थर्टी फाइव थाउजेंड तीन लाख तीस हजार थर्टी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री फिफ्टी थाउजेंड ग्यारह लाख पचास हजार पांच लाख पचास हजार सात लाख पचास हजार चार लाख थ्री पॉइंट एट मिलियन और नाइनटी फाइव थाउजेंड जी पूरा ट्वेल्व मिलियन है वन टू नाइन वन फाइव ट्रिपल जीरो ये जनाब जैसे ये फिगर फाइनल हुई मैंने यहां पर देख दी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लेस कर दी हुई ये जनाब पाकिस्तान सोर्स इनकम टोटल कर लीजिए सर पाकिस्तान सोर्स इनकम वन थ्री जी सर जी इसमें डिविडेंड इनकम भी ऐड करनी है यस yes. जी डिविडेंड इनकम कितनी है जी सर वन थ्री अच्छा जी ये हो गई पाकिस्तान सोर्स इनकम फिर उसके बाद आ गया फॉरेन सोर्स इनकम फॉरेन सोर्स इनकम कितना आया टोटल कीजिए वन फाइव फाइव ट्रिपल जीरो अच्छा जनाब ये आपकी आ गई टोटल इनकम अब जैसे ही मैं टोटल इनकम पे पहुंचा तो मेरे दिन में सबसे पहले आना चाहिए एग्जाम इनकम तो कोई नहीं है वो लेस करेंगे यहाँ पर कोई नहीं FTR है एफटीआर है सेपरेट ब्लॉक आइटम है नहीं है तो भाई ये तीनों करने के बाद जक़ात डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एजुकेशनल एक्सपेंस नहीं है तो यहां पर ये इसको ऐसे करके यहाँ पर टैक्सेबल इनकम लिख देते वन फाइव एफ एफ टी आर इनकम लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी टैक्सेबल इनकम की रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी जी फोर थ्री फाइव थ्री फाइव डबल जीरो टैक्स लाइबिलिटी है ये टैक्स लाइबिलिटी है टैक्स इनकम है फिर टैक्स लाइबिलिटी है फिर टैक्सेबल इनकम के बाद टैक्स लाइबिलिटी निकाली अब आ जाए टैक्स की तरफ सबसे पहले देखे फुल टाइम टीचर है नहीं उसके बाद क्या देखना है फॉरन है फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं वर्किंग नंबर फाइव वर्गिंग नंबर फाइव ये फॉरेन टैक्स है ये बनेगा ए ओवर बी इंटू सी सबसे पहले एक्चुअल कितना है पहले वो देख लें पांच लाख चालीस हजार फिर ए ओवर बी इंटू सी देख लें नाउ व्हाट इज ए फोर थ्री फाइव थ्री फाइव डबल जीरो ओवर बी बी क्या वन फाइव थ्री वन जीरो एवर बी इन टू सी सी क्या है सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है जी प्लीज कंफर्म कीजिए फाइव डबल वन एट फोर टू अच्छा इन दोनों में से कौन सा लेंगे लोअर भाई ये क्या हो रहा है भाई स्क्रीन को देखिएगा जरा चलूं कराऊं सर अच्छा फॉरेन टैक्स कैरेट की वैल्यू निकाल ली थी मैंने फाइव डबल वन एट फोर टू याद ही क्यों हो रहा है ऐसे भाई आप एक काम करें इसके बाद डोनेशन वाला टैक्स कैरेट भी बनता है चलो जी फॉरन टैक्स क्रेडिट फाइव डबल वन एट फोर टू ये लेस कर देंगे अब पीछे कितना रह गया थ्री एट फोर वन सिक्स फाइव एट इस पर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन जी Working number six. Working number six. A over B into C. Now, what is A? Three eight four one six five eight. Three eight four one six five eight. वट इज बी वन फाइव थ्री वन जीरो ट्रिपल जीरो वट इज सी सी होगा लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है थर्टी परसेंट इंटू वन फाइव थ्री वन जीरो ट्रिपल जीरो जी बताइएगा इन दोनों में से कौन सा लेंगे जी बताइएगा वन फाइव ट्रिपल फाइव ले सर ये टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन था ये भी लेस कर दिया अच्छा ये डोनेशन वाला भी टैक्स क्रेडिट हो गया ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी हो गया टैक्स ऑन एफ टी आर एक लाख पंद्रह हजार का पंद्रह परसेंट जी वन सेवन सेवन टू वन सेवन टू फाइव जीरो टैक्स ऑन डिविडेंड है अच्छा जी और यही था सर उसके बाद अब हमारे पास आ गया टैक्स डिडक्टेड ऑन एफटीआर जी प्लीज बताइएगा वन सेवन टू फाइव जी इतना डिडक्ट किया था जी मुझे टैक्स पेबल बता दीजिए थ्री सिक्स नाइन डबल वन सर जी देखिए इस तरह से ये सवाल करना था मैंने आपको बड़ी तसली से ये सवाल कराया किसी तौर पे भी ये रिवीजन नहीं मानी जाती जिस तरह मैंने सवाल कराया इसको रिवीजन नहीं माना जाता रिविजन ये भी कर लेना ये भी कर लेना ये भी कर लेना मेरा मकसद ये है कि आपको बात को समझा दिया जाए ताकि आपको अटेम्प्ट करना आ जाए कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल एक बार पढ़ के आइडेंटिफाई करना है हेड्स ऑफ इनकम कौन से है एफटीआर कौन सी है सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन सी है, Deductible allowances कौन से है? और टैक्स क्रेडिट कौन सा इनिशियल रीडिंग में ये होना चाहिए जब ये सब आप कर लें उसके बाद पर आ जो सेकंड लेवल आएगा उसमें आपने साथ साथ पढ़ना और साथ साथ वर्किंग करते जाना है। और उसको आपने कब जाके रोकना है जब सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी ये दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप में आपने टोटल इनकम पे जाके रुकना है सारी इनकम वर्किंग की फॉर्म में आ जाए टोटल इनकम आ जाए उसमें से एग्जाम एफ टी आर सेपरेट ब्लॉक आइटम लेस करें टैक्सेबल आ जाए टैक्स का रेट अप्लाई करें टैक्स लाइबिलिटी आ जाए फिर फिर आपने जाना है और फिर आपने टैक्स क्रेडिट्स देखने हैं टैक्स क्रेडिट्स की वर्किंग करनी है। फिर जाके फाइनली आपका टैक्स पेएबल निकलना अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए तीन चार न्यूमेरिकल्स हैं जो जिनकी एडजस्टमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस करनी है ये तो मैंने पूरा करवा दिया ना अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि जिनकी एडजस्टमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस करनी ये mm -hmm. निकालिएगा जरा सवाल एक क्वेश्चन है आपके पास सगीर वाला मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगता है उसकी वजह यह है कि ये ऑटम 2020 का सवाल है इसमें इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फुल टाइम टीचर का टैक्स क्रेडिट भी है फॉरेन सोर्स इनकम का टैक्स क्रेडिट भी है और डोनेशन का टैक्स क्रेडिट भी है तो ये बहुत अच्छा सवाल इस सवाले से है इसमें इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट और क्रूशल है आप आपके साथ डिस्कस करता चलूं हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस दोनों दिए हुए हो तो प्रायोरिटी किसको देनी है मेडिकल फैसिलिटी को अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम हो तो फिर मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होता है अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो तो मेडिकल लाउंस अप टू टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम होता है अच्छा जी दूसरे नंबर पे प्रोविडेंट फंड की डिस्कशन है प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा हो प्रोविडेंट फंड में और वो प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो तो हमने क्या रूल पड़ा हुआ है डेढ़ लाख अप टू 150 और 1/10th ऑफ बेसिक सैलरी डीएनएस अनाउंस इन दोनों में से जो लोर होगा उस हद हाँ तक एग्जेम्प्ट होता है ये दो बातें हो गई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे दे एम्प्लॉई शेयर स्कीम वाली एडजस्टमेंट्स हैं बड़ी डिटेल से मैंने कराई हुई है उसने कहा हुआ है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और इस वजह से इंटरेस्ट फ्री लोन दिया कि एम्प्लॉय ने अपना इंटरेस्ट रिसीवेबल वेव कर दिया था मेरा पॉइंट समझ आ रहा है एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट रिसीवेबल वेव कर दिया था और उसकी वजह से एम्प्लॉय ने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है इस केस में हम क्या करेंगे हाँ अब इस केस में जो एम्प्लॉ को इंटरेस्ट मिलेगा वो उस पर जो फायदा होगा वो भी टैक्सेबल नहीं होगा सर ये वाला पॉइंट ये ये वाला पॉइंट यहां पर की बन था ये वाला पॉइंट ये था अच्छा वो आपको अक्सर कह देता है कि जनाब बेनिफिट मिल रहे हैं लीव इन कैशमेंट मिल रही है या वो कह देता है को बोनस मिल रहा है भाई जान इस साल का मिल रहा है या पिछले साल का मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता मिल किस साल रहा है अगर इस साल मिल रहा है तो वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा रिसीट बेसिस पर चलते हैं फिर एक दो जगहों पर उसने ना शॉप बेची है या प्रॉपर्टी बेची है प्रॉपर्टी को बेचने पर लॉस आया है तो वो प्रॉपर्टी को बेचने पर गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा फिर उसने कहा उसने वेबसाइट बनाई है उससे उसने पैसे कमाए उसका टैक्स भी कटा है वेबसाइट बनाई है फॉरन से उसने पैसे कमाएर सोर्स इनकम है और उसका टैक्स भी कटा हुआ है तो इस पर फॉरन टैक्स क्रेडिट मिलेगा और अगर डोनेशन भी हो तो पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसके बाद डोनेशन मिलेगी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है उस डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा ये सगीर वाला सवाल है मुझसे पूछे तो भाई इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको करवाया इसके फौरी बाद आपको सगीर वाला सवाल करना चाहिए ये हमारे पास जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आया ना ऑटम ट्वेंटी थ्री में वो सलमान वाला सवाल था आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने ये वाला सवाल क्यों नहीं कराया ये बिल्कुल ही आसान था तो मैं चाहता था कि आपको मुश्किल सवाल कराऊं आप अगर अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो दो सवाल हैं ये बहुत अच्छे हैं एक सगीर वाला सवाल है एक मिस्टर शेंग वाला सवाल है एक और सवाल है मोहम्मद तकी के नाम से तकी मत, तकी अहमद ये तीन सवाल हैं इसको मार्क कर लीजिए कुछ होते हैं ना कि सर आपने दस सवाल करने की बजाय ये तीन सवाल कर ले तो मोर देन तकी अहमद सरीर और मिस्टर शैन ये सलमान जो है वो हेड है टेस्टी कैफे में और उसने बेसिक सैलरी बताई है हाउस रेंट अनाउंस बताया एनुअल बोनस बताया है फ्री मील है ड्यूटी के वक्त कर रहे हैं ये तो टैक्सीबल नहीं होगा एग्जाम होगा कैफ़े है फिर स्टाफ को डिस्काउंट मिलता है उसने चालीस हज़ार का डिस्काउंट अवेल किया है भाई जान ये जो डिस्काउंट अवेल हुआ ये है ये इनकम में शामिल होगा इंश्योरेंस अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हैं तो पहले मेडिकल फैसिलिटी को देख लें मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हैं तो पहले मेडिकल फैसिलिटी को देख लें अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम है तो फिर मेडिकल लाउंस टोटली टैक्सेबल होगा यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है मेडिकल है ही नहीं उसके बाद आ गया टी सी फॉर रुपीज दो मिलियन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन तीस जून दो हजार तेईस द कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर पर्सनल यूज अच्छा जनाब कंपनी में वॉज परचेज बाय सर कंपनी की गाड़ी है उसने इसको दी हुई है अपने एम्प्लॉय को दी हुई है कन्वींस अलाउंस है बहुत ऑफिशियल और पर्सनल यूज दोनों है फाइव परसेंट ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे या जितने की खरीदी है उतने की लेंगे सर जितने की ख़रीदी है उतने की लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एट द ऑफ लीज टर्म सिर्फ तब लेते हैं जब गाड़ी किस्तों पर हो अगर गाड़ी कंपनी की खुद की है तो परचेज प्राइस का पाँच या दस परसेंट इन शेयर स्कीम है ट्रेनिंग जो करके आए उसके हवाले से तो जो ख़र्चा होता है वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होती लेकिन इसको कंपनी ने भेजा था इसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला था ढाई लाख रुपए। ये अपने रिलेटिव की तरफ रह गया और एक लाख खर्च किया बाकी डेढ़ लाख बच गया ये जो डेढ़ लाख रुपया बचा है ये इनकम में शामिल हो के टैक्स होगा ये जो डेढ़ लाख बच गया है ये इनकम में शामिल होके टैक्स होगा फिर उसके बाद उसने इंटरेस्ट इनकम की बात की ड्यूरिंग ईयर सलमान ने इंटरेस्ट इनकम वसूल किया बैंक अकाउंट में और उस पर टैक्स कटा हुआ था ये प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होगा सलमान ने डोनेशन दी है इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा और एटी परसेंट ऑफ द अमाउंट वाज पेड थ्रू क्रॉस चेक जितने परसेंट अमाउंट क्रॉस चेक के जरिए दी उस पर टैक्स क्रेडिट लगेगा जो अमाउंट क्रॉस चेक के जरिए नहीं दी उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो भाई ये जो टैक्स विद हेल्ड की है लाइबिलिटी में से इसको लेस कर देंगे तो ये बड़ा ही आसान सवाल था हमारे लेटेस्ट समझने ले, सैलरी का ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ पिछली से पिछली अटेम्प्ट में आया था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंशाला इस, इस बार सैलरी का एक अच्छा तगड़ा आपके पेपर में होगा मेरी एक्सपेक्टेशन है जी कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी थ्री नमेरिकल्स तकी अहमद शगीर और ये थ्री नुमेरिकल्स कम से कम आपको जरूर करने चाहिए और कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछ लीजिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए क्या देंगे ऑफ कर दें कोई सवाल है सर आपका जी उसने कहा था चाइनीज येन मिले हैं जो बारह लाख साठ हजार बनते हैं तीस परसेंट टैक्स कटने के बाद अगर तीस परसेंट टैक्स कटने के बाद बारह साठ मिला है तो इसका मतलब है वो सत्तर परसेंट है जो बारह लाख साठ हजार बन रहा है तो मैंने उसको पॉइंट सेवन से डिवाइड किया था ताकि मैं ये बता जान सकूं कि टोटल कितने पैसे मिले ये मैथ है असल में जी सर जी डिविडेंड में भी ऐसे ही होता है यस और सर जी मुश्किल तो नहीं लग रहा मैंने आपको तीन नमेरिकल डिस्कस कर दिए हैं आपको मेजर नमेरिकल बता दिए हैं प्रैक्टिस कीजिए इसको कीजिए आज के लिए इतना ही था कल इंशाल्लाह प्लान ये है कि इंशाल्लाह कल आपको मैं कल का प्लान ये है कि इंशाल्लाह कल आपको मैं वो करवा रहा बिजनेस के न्यूमेरिकल करवा रहा और जिस तरह अभी ये करवाया है बिजनेस का भी एक तगड़ा न्यूमेरिकल करा के दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर दूंगा और उसके अलावा कल ये करना है फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में चैप्टर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये तीनों करने हैं ले सर आज के लिए इतना ही था थैंक यू जी Assalamu alaikum students, today we have completed third of five session on caf2 text practices. the material being used today will be shared using a link under the video of this session on facebook page, which is icap.ca students. respected sir, we sincerely appreciate your dedication, knowledge and tireless efforts in educating and guiding the students. for students, next session of caf4 Business law will be on tomorrow from 9 to 1.30 p.m. Thank you so much, sir. Thank Take you. care and Allah Hafiz.